नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार न्यूज और एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला मैं अभी आपको बताऊंगी। फिलहाल पर्वतीय कॉलोनी में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर देख सकते हैं दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला के साथ तीन लोग आते हैं जो कानों के और अंगूठी और सोने के कुछ जो है उनकी चीजें चुराकर नहीं कहूँगी, सम्मोहित करके उस महिला को उसका दिमाग घुमा दिया जाता है और इस तरीके से उससे सारी चीज़ें जो है वो छीन कर या फिर मैं बता दूँ कि सम्मोहित करके वो सारी चीज़ें उनसे ले ली जाती है। 10 तारीख का ये मामला है। फिलहाल घर के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं वो जो बुज़ुर्ग महिला है वो भी हमारे साथ मौजूद है और उनसे बातचीत करेंगे कि क्या आखिर पूरा वो मामला हुआ था। ये देखिए, ये बुज़ुर्ग महिला हमारे साथ बैठी है और 10 तारीख का ये मामला है। जी माता जी, क्या कहेंगे, कहाँ जा रहे थे आप उस समय, क्या हुआ? वो बताएगा लड़का, बताओ क्या हुआ था। वही हुआ था कि जा रहे थे यहाँ से, तो वही दो कहाँ जा रही थी, मैं मंडी जा रही थी, मंडी से आ रही थी उधर से। अच्छा। तो आ रही थी तो वो तीन लोग लगे साथ साथ, पता नहीं मेरे को पता नहीं था लग रहे हैं कि पीछे क्या है। अच्छा, आपके पीछे पीछे आ रहे थे। हाँ, वो हमें वो खड़े हो गए तो मैं भी उनके साथ खड़ी हो गई। तो वो बातचीत करी, उन्होंने आपसे क्या कहा? हाँ, फिर आजा अम्मा, आजा हमारे साथ साथ आजा। अच्छा, उन्होंने ये बोला कि हमारे साथ साथ आजा। लोग थे? हाँ, तीन लोग थे। तीन लोग थे वो। तीनों जेंट्स थे या लेडीज थी? एक लेडीज थी, दो जेंट्स थे। लेडीज बुढ़ा मतलब बुजुर्ग थी या कैसी? बुजुर्ग नहीं है, वैसी 40-35 साल। 40-45, ठीक है। तो क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने कहा आजा अम्मा, आजा इधर चलेंगे, इधर चलेंगे। बस वही लड़का एक आ गया। फिर आपने ऐसा कुछ बोला कि कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हाँ, तो जानती नहीं। नहीं, ये नहीं बोला मैंने कुछ। अच्छा, आपने कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने आपसे बोला कि हाँ, आप इधर आ जाओ, आप उनके पीछे पीछे चलती रही। अच्छा, उन्हें पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, बस वही वहाँ जाके वो मेरे सामान वान निकाल लिया उनने। आपको पता नहीं चला जब आपका सामान निकाला? उसने औरत ने निकाला था। आपको पता नहीं चला? पता चला था। आपने विरोध नहीं किया उसका? नहीं, तो उसके पता ही नहीं चला मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या क्या पहन रखा था आपने? तो बाड़ी थी और चैन थी, उसमें ओम था, अंगूठी। अच्छा। थी, सब ले ली बारी बारी करके, दो बार वापस कर दी, तीसरी बार फिर उन्होंने बांध के मेरे कपड़े में दे दी। कपड़े आपको कपड़े में वापस दी थी? हाँ, क्या दिया था? वो पड़ा नहीं है अभी, इसमें देखी तो चीज बांध के दिए और उसमें मैंने घर आके देखी तो मट्टी निकली है, इसमें मट्टी निकली है। हाँ, देख सकते हैं इनको वापस 3-4 बार जो है इनसे इनके सामान मांगा है और उसके बाद ये इनको कुछ चीज इनको पन्नी में रख के वापस दी है। मैं दिखा दूँ आपको लाइव के जरिए, ये क्या है? ये तो है वो जो दिया था। अच्छा, ये देखो, ये देखिए नकली नोटों के टाइप की ये सामान, ये नकली नोट है 500 का। ये देख सकते हैं 500 का नकली नोट है और तरह से। और इसमें क्या है? इसमें उनने मेरे से कही तुम मत खोलो, हम अच्छा खोलूंगा आके इसे खा। ये किसने कहा था? उस लड़के ने। लड़के ने? ये देख सकते हैं आप लोग, ये रुमाल है और इसमें क्या है? उससे मुझे छोड़ के चले गए, फिर मैं घर आ गई। सामान है जो इन्हें अच्छा वो के द्वारा दिया गया, घर आके खोल के देखा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, क्या कहकर दिया था आपको ये? ये था ये अम्मा, ये सामान रख ले। अच्छा। और ये भी रख ले, मैं आ रहा हूँ अभी। तो जब मैं सामान में क्या बोला था, क्या है इसके अंदर? वो कुछ नहीं बोला था उसमें। अच्छा, फिर आपने खोलने की कोशिश करी तो क्या नहीं बोला? करी यहाँ करी अपने घर आके मैंने। अच्छा, तो आपने वहाँ नहीं खोला? ना, वहाँ मेरे से मना कर दी, मना कर दिया था घर जाकर ही खोलना। हाँ, ना कहीं मैं आ रहा हूँ, मैं खोलूंगा इसे, तुम मत खोलियो। अच्छा, उन्होंने कहा था ये? हाँ, उस लड़के ने। फिर मैं घर आ गई बाट देख के, जब वो नहीं आए तो फिर मैंने घर आके खोली, अपने घर आके देखो इसमें पैसा है कि क्या है। देखे तो इसमें कागज निकले, रुमाल में मट्टी निकली, मेरे सामान सब छुटा लिया सब। अच्छा, और तो आपसे जो है पुलिस कंप्लेंट की? हाँ, करिए, कल कल कर दी। हाँ, पुलिस सीसीटीवी फुटेज वगैरह है भैया कोई? मेरे घर देख सकते हैं आप लोग, ये वही महिला है जो तीन ठगों द्वारा इनसे सम्मोहित करके इनसे सोने की चेन और अंगूठी और कुछ इनके जेवरात जो है बीच रास्ते में चुरा लिए जाते हैं। सीसीटीवी फोटेज भी अभी हमारे पास है, दिखाते हैं आपको, दिखाना एक बार भैया। इस तरह से ये देखिए, देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज किस तरह से, देखिए। ये 10 तारीख को जब मार्केट जा रही थी सुबह, मंडी जा रही थी, अच्छा सब्जी मंडी से वापस आ रही थी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये महिला है। हाँ। ये तीन लोग हैं जो इनके पीछे लग रहे हैं, ये देखिए।
नीली शर्ट में, और हाँ ये तीन लोग हैं और ये बातचीत कर रहे हैं इनसे कुछ। महिला को सम्मोहित कर लिया है बिल्कुल, कुछ समझ नहीं पा रही है, बुजुर्ग महिला है काफी, और जैसा कहा है वैसा ही इन्होंने किया है। अपने साथ बुलाने को कहा है और वीरान सड़क पे ले जाकर जो है इनसे सारी चीजें ठग ली गई है। हम लोग देख रहे हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो अभी हम वेट कर रहे हैं। तो पुलिस के हमारे पास फोन आया था, उन्होंने कुछ वीडियो वगैरह बनाई थी, हमने भेज दी। वीडियो पुलिस को देगी? हाँ, पुलिस जांच में जुटी है अभी, तो पुलिस तो यही बोल रही है कि जांच में जुटे हुए हैं, कुछ अपडेट होगी तो हम बताएंगे। टोटल कितना सोना था ये? लगभग दो तोले के आसपास था। दो तोले के आसपास था। कैश वगैरह भी लिया है अम्मा से? नहीं, कैश वगैरह कुछ नहीं था, कोई पैसा वगैरह नहीं था। देख सकते हैं दिन दहाड़े जो है ये ठगी का मामला सामने आ रहा है, जिसमें एक महिला थी 40-45 के आसपास उम्र बताई जा रही है, और उनके साथ दो युवक थे जो इन अम्मा जी के साथ दिन दहाड़े जो है ठगी को वारदात करते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, सोने की चेन और कुछ अंगूठी और लगभग दो तोला सोने के आसपास जो है इनसे ठगी कर लेते हैं। और 10 तारीख का ये मामला है, सीसीटीवी फुटेज भी मैंने अभी आपको दिखाई है, तो देख सकते हैं ऐसे लोगों से सावधान रहें। और पर्वतीय कॉलोनी का ये मामला है, और ऐसी तमाम खबरों के साथ फिर से जुड़ूंगी, जब तक के लिए देखते रहें संचार न्यूज़।